फॉर वॉचिंग ए टिपिकल मी। तो आज का वीडियो है स्टोरी टाइम। आज मुझे इच्छा हो रही है कि आपको थोड़ा सा सावधान रहे, सतर्क रहे टाइप का ज्ञान देने की। एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे पास इस हफ्ते डालने के लिए कोई ब्लॉग था नहीं, कुछ कंटेंट था नहीं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ ऐसा कंटेंट बनाया जाए जिससे मेरे व्यूअर्स की मदद हो जाए, रियल लाइफ में उनको कुछ ज्ञान मिल जाए। एक्चुअली मैं आपके साथ तीन ऐसे किस्से शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे साथ रिसेंट ही हुए, दो मेरे साथ हुए और एक मेरे किसी फ्रेंड के साथ हुआ है। तो वो मुझे आपके साथ शेयर इसलिए करना है क्योंकि सबक एक को सीख हम सबको। मुझे चाहिए कि वो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ ना हो। और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मैंने सुना है काफी लोगों के साथ ये स्कैम्स आजकल हो रहे हैं, ऑनलाइन स्कैम्स। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा ज्ञान बांट देते हैं अपने ऑडियंस को। तो तीन किस्से मैं आपको सुनाऊंगी। सबसे पहला जो मेरे साथ हुआ था वो था ऑनलाइन शॉपिंग के रिलेटेड। तो हुआ ये कि मैंने रिसेंटली, मतलब रिसेंटली यानी एक दो महीने पहले की बात है, मैं अपने मायके में थी अहमदनगर में। तो मैंने एक बहुत ही वेल नोन वेबसाइट है limeroad.com, उसका ऐप भी आता है। तो मैं इंस्टाग्राम पे थी या कहीं पे थी, तो मुझे काफी अच्छे टॉप्स और काफी अच्छे कपड़े दिखे उनके, तो इसीलिए मैं उनकी वेबसाइट पे गई। मैंने दो तीन टॉप्स वहां से ऑर्डर किए। अब मुझे मेरे हस्बैंड, जो कि एक आईटी इंजीनियर है, उन्होंने हमेशा बताया है कि अगर तुम वेबसाइट से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो ऑलवेज गो फॉर कैश ऑन डिलीवरी। अगर तुम ऐप से कर रहे हो तो फिर तुम नेट बैंकिंग या फिर अपना कार्ड यूज करो, बट अगर तुम वेबसाइट से कर रहे हो तो वहां पे थोड़ा हैकिंग का रिस्क ज्यादा होता है, तो इसीलिए गो फॉर कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन। तो मैंने limeroad.com से दो तीन कुछ टॉप्स शॉप किए और ऑफकोर्स आई वेंट फॉर द कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन। तो अब कैश ऑन डिलीवरी किया तो ना कोई मैंने अपने बैंकिंग डिटेल्स दिए ना कोई डिटेल्स दिए, तो कुछ टेंशन की बात ही नहीं है। तो अगले दिन सुबह 10 या 11 बजे मुझे एक कॉल आता है, काफी प्रोफेशनल वे में एक बंदा बात कर रहा है और मुझे बोलता है कि मैम आपने कल limeroad.com से शॉपिंग की। मैंने बोला हाँ की तो थी कल। तो उसने बोला कि एक्चुअली ना limeroad का ना कोई लकी ड्रॉ टाइप स्कीम चल रहा है, तो उसमें कुछ लकी कस्टमर्स को हम एक स्कीम ऑफर कर रहे हैं। तो मैंने कहा क्या स्कीम है? तो उन्होंने कहा कि हमारे लकी कस्टमर्स को हम एक स्विफ्ट डिजायर गिफ्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर आर लॉयल कस्टमर्स, दे आर शॉपिंग विद अस। एंड मुझे इतना भी दिमाग नहीं चला कि भाई मैं लॉयल हुई नहीं, क्योंकि मैंने पहली बार इस वेबसाइट से शॉप किया है। तो मैं मस्त खुश हो गई स्विफ्ट डिजायर सुन के, एंड बहुत ही प्रोफेशनल वे में वो बात कर रहा था, मतलब शक आने का कोई यही नहीं, बहुत अच्छे से समझा रहा है चीजें। एंड मैंने बोला अच्छा ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो ही सेड कि मैं आपको ये आपका नंबर व्हाट्सएप पे है? मैंने बोला हाँ यही नंबर है व्हाट्सएप पे। तो उसने बोला मैं आपको व्हाट्सएप पे पिंग करता हूँ और आप मुझे अपना एड्रेस प्रूफ भेजो, फोटो और पैन कार्ड का फोटो भेजो, एंड दैट्स इट, आपको और कुछ नहीं करना है। तो आई सेड दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो उसने बोला एक्चुअली आपका एड्रेस नहीं, हाँ अभी हाल फिलहाल के लिए इतना ही करना है, उसने बोला। तो आई सेड ठीक है आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करो। एंड सुबह का टाइम था, मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही उठी थी, तो ज़्यादा कुछ दिमाग चल भी नहीं रहा था मेरा। तो मैंने मुझे उनका पिंग आया व्हाट्सएप पे, एंड जो डीपी था वो भी काफ़ी प्रोफेशनल, ऐसे सूट बूट में दो तीन बंदे खड़े हैं, खड़े नहीं बैठे, वो कॉन्फ्रेंस हॉल का फोटो था, लिटरली इतना प्रोफेशनल फोटो था। तो किसी को शक होने का यही नहीं है। तो उनका व्हाट्सएप आया कि मैम आप इस नंबर पे मुझे अपना एड्रेस प्रूफ और पैन कार्ड भेज दो। एंड देन आई कॉल्ड ऋषि माय हस्बैंड कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो ही सेड डिड यू, क्या तुमने अभी तक भेजा है उसको कुछ? मैंने बोला नहीं अभी तक, सिर्फ उनका कॉल आया है, व्हाट्सएप पिंग आया है, मैंने कुछ भेजा नहीं है मेरी तरफ से। तो ऋषि ने बोला कि ऋषि मुझसे बात ही कर रहे थे, तो उतने में वो बंदे का वापस कॉल आया। तो ऋषि ने बोला उठा उसका कॉल और मुझे कॉन्फ्रेंस पे रख। तो मैंने उठाया एंड ही सेड कि मैम आप वो कर दीजिए फॉर्मेलिटीज़, और आपको एक और फॉर्मेलिटी करनी है। मैंने बोला क्या करना है? और तो उन्होंने बोला कि आपको
12.5 लाख की कार है तो उसका सिर्फ 1% 12.5 हजार आपको मैं एक बैंक अकाउंट नंबर भेजता हूँ उस पर आपको सेंड करना है, ओनली 1%। वो सब जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह फीस वगैरह होती है वो फॉर्मेलिटी है, दैट्स इट। बाकी कार आपको फ्री में मिल जाएगी, आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। तो ऋषि ने ये सुना एंड ही कुड नॉट कंट्रोल हिज लैपटॉप, ही वॉज ऑन म्यूट ऑफकोर्स। एंड ऋषि ने मुझे, मैंने बोला ठीक है आप मुझे अकाउंट नंबर भेज दो एंड देन आई सेंड यू द अमाउंट, 12.5 हजार उन्होंने मांगे थे। एंड फोन रखने के बाद ऋषि ने मुझे बोला इमीडिएटली लाइम रोड के जो कस्टमर केयर है उनको कॉल कर और उनसे पूछ कि क्या आपका कुछ ऐसा लकी ड्रॉ वगैरह कुछ ऐसा चल रहा है। तो मैंने इमीडिएटली उनको कॉल किया एंड वो बोले नहीं मैम ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मैंने बोला यार मतलब आपकी वेबसाइट किसी ने हैक किया, किसी ने मेरा फ़ोन नंबर निकाला है आपकी वेबसाइट से, उसको ये पता है कि मैंने कल आपकी वेबसाइट से शॉप किया है, तो ऐसे कैसे मतलब सिक्योरिटी नहीं है। तो वो बोले नहीं मैम पहले तो ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है। मैंने बोला थैंक गॉड मैंने अपने बैंकिंग डिटेल्स नहीं डाले थे वहाँ पे, ना मैंने अपना कुछ पासवर्ड डाला था ना कुछ OTP डाला था, अगर वो सब डाला होता तो क्या हो जाता। तो उन्होंने बोला वी आर वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बट ऐसा पहले किसी के साथ नहीं हुआ, और आप प्लीज ऐसे कोई कॉल जाए तो उन पे ध्यान मत दीजिए, हमने ऐसा कोई लकी ड्रॉ नहीं ये किया है। तो उतने में उस बंदे का मुझे कॉल आ रहा था कि मुझे और आपको फॉर्मेलिटीज बतानी है वगैरह। तो ऋषि ने बोला एक काम कर उसका नंबर मुझे भेज एंड आई विल सी व्हाट टू डू। एंड ऋषि ने उसको कॉल किया एंड बोला कि आपने अभी जिनको कॉल किया था वो मेरी वाइफ है और क्या चाहिए था आपको, अच्छा 12.5 हजार चाहिए थे तो आपने हमको इतना पागल समझ के रखा है। एंड दैट मैन स्टार्टेड अब्यूजिंग लाइक एनीथिंग, मतलब माँ बहन दादा दादी नाना नानी सब पे गालियाँ देने लगा। और ऋषि ने बोला कि आपको शर्म नहीं आती, एक तो आप लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो और खुद ही ऊपर से अब्यूज कर रहे हो। तो वो उसने इतना तक बोला कि ये अकेली नहीं है जिसके साथ मैंने ऐसा किया है, आज तक लाखों लोगों के साथ किया है और आगे भी लाखों लोगों के साथ करूँगा। ऋषि ने बोला कि मैं अभी पुलिस कंप्लेंट कर रहा हूँ इस नंबर को लेकर। उसने बोला मेरे पास ऐसे 1000 नंबर है और ये नंबर मेरी खुद की आईडी पे भी नहीं लिया हुआ है, तो कर लो जो करना है। एंड ऋषि ने फोन कट कर दिया। तो इट वॉज सच एन आई ओपनर फॉर मी कि मतलब अगर मैंने ऋषि के साथ डिस्कस नहीं किया होता तो तब तक मैंने एटलीस्ट अपना आईडी प्रूफ और ये तो भेज ही दिया होता। और उसने यही बोला कि मैंने अपने आईडी प्रूफ पे तो नंबर लिया भी नहीं है, ये किसी और के आईडी प्रूफ का नंबर है, तो तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा, तुमको कुछ नहीं पता मेरे बारे में। तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, अगर ऋषि का उस टाइम पे मैंने उससे पूछा नहीं होता और इसको सेंड कर दिया होता, चलो ठीक है अमाउंट नहीं सेंड किया होता बट एटलीस्ट मेरा एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ भेजा होता तो क्या हो जाता, तो मेरे आईडी प्रूफ का कितना मिसयूज हो जाता। एंड तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको आपके साथ ये शेयर करती हूँ सो दैट आपके साथ अगर ऐसा होता है किसी ऑनलाइन वेबसाइट से अगर आप शॉपिंग करते हो तो मेक श्योर कि आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज कर रहे हो। हाँ ऐप से कर रहे हो तो ठीक है बट वेबसाइट से कर रहे हो, गूगल पे जाके वेबसाइट से कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने कोई डिटेल्स वहाँ पे ना डालें और कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज करें। और उसके बाद अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है कि लकी ड्रॉ में आपका आपने यहाँ से शॉपिंग की और उनका लकी ड्रॉ चल रहा है तो प्लीज़ ऐसे कॉल्स पे बिलीव मत कीजिए। तो ये थी स्टोरी नंबर 1। अब मैं आपको बताती हूँ स्टोरी नंबर 2। अब ये जो दूसरा किस्सा है ये भी मेरे ही साथ हुआ है, मेरी फैमिली के साथ हुआ है। तो हुआ ये कि हमारा जो गैस कनेक्शन है, सिलेंडर जो है वो भारत गैस से आता है। तो एक बार क्या हुआ, एक किसी महीने में 3-4 महीने पहले सिलेंडर जो आया उसमें लीकेज था, कुछ प्रॉब्लम था, तो हमको वो रिटर्न करना था, मतलब एक्सचेंज करना था। तो हमने जो हमारे पास आता है बंदा लेके उसको कॉल किया तो उसका फ़ोन लग नहीं रहा था, स्विच ऑफ था, एंड हमारे लिए बहुत इमरजेंसी था कि उसको रिटर्न करना है, उसके बदले दूसरा सिलेंडर चाहिए। तो हमने क्या किया, गूगल पे गए और हमारे आसपास नियर बाय भारत गैस एजेंसी जो है उनका नंबर निकाला। अब गूगल से नंबर निकाला है, प्रॉपरली एजेंसी का नाम भी लिखा है, कुछ साई भारत गैस एजेंसी कुछ ऐसा नाम लिखा था। एंड हमने मेरे नंबर से फ़ोन किया उस नंबर पे, तो ऋषि बात कर रहे थे, मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे, तो उन्होंने फ़ोन किया मेरे नंबर पे से और उनको बोला कि ऐसा ऐसा है और हमको गैस एक्सचेंज सिलेंडर एक्सचेंज करके चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आपको
कुछ मिनिमम अमाउंट भरना पड़ेगा ऊपर। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर डिफेक्टिव आया है तो पैसे तो लेने नहीं चाहिए, बट ठीक है फिर भी उन्होंने बोला कि आपको थोड़ा बहुत कुछ 100-150 भरना पड़ेगा ऊपर। तो हमने बोला ठीक है छोटी मोटी अमाउंट है भर देते हैं। तो काफ़ी अच्छे से वो बात कर रहे हैं और उन्होंने बोला कि आपके पास गूगल पे है, तो मेरे फ़ोन से बात कर रहे थे, मेरे फ़ोन में तब गूगल पे था, अभी नहीं है, आपको बताती हूँ क्यों नहीं है। तो तब गूगल पे था तो उनको बोला हाँ इस, तो उन्होंने बोला ये जिस नंबर से आप बात कर रहे हो इसी पे गूगल पे है, तो ऋषि ने बोला हाँ है, मैं आपको गूगल पे से पेमेंट कर देता हूँ। तब उसने बोला कि नहीं आप गूगल पे से मत करो, मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, उस लिंक पे क्लिक करो और आपका गूगल पे का पासवर्ड डालो और मुझे पैसे आ जाएंगे, जो भी वो अमाउंट है 125 कुछ ऐसे अमाउंट था वो मुझे आ जाएगा। तो इमीडिएटली ऋषि को समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ है, इमीडिएटली उसने फोन कट किया। अब मेरे ही नंबर से वो बात कर रहा था और वो बंदे ने 2 या 3 बार कंफर्म किया क्या इस नंबर पे गूगल पे है, क्या इस नंबर पे गूगल पे है। तो ऋषि ने इमीडिएटली फोन कट किया, गूगल पे डिलीट किया, मेरा फोन स्विच ऑफ किया और फिर से ऑन किया। एक्चुअली बोलते हैं कि अगर आपसे कई ऐसा कुछ फ्रॉडस्टर आपसे बात कर रहा है तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका फ़ोन चालू होते हुए वो हैक कर सकता है आपका फ़ोन या कुछ भी कर सकता है, तो इसीलिए सेफ साइड आपने क्या करना चाहिए अपना, उस सारे उसने मेरे फ़ोन में से बैंकिंग ऐप्स डिलीट कर दिए सारे, मतलब गूगल पे तो किया ही सबसे पहले, उसके बाद जो मेरा एक्सेस मोबाइल का ऐप था, ICICI का ऐप था, सब डिलीट कर दिया और फ़ोन इमीडिएटली स्विच ऑफ कर दिया और फिर कुछ 5 मिनट के बाद फ़ोन ऑन किया और फिर ऑन किया फोन एंड देन ही अंडरस्टूड कि दिस वॉज काइंड ऑफ अ फ्रॉड हो जो हमारे साथ होने वाला था, कि अगर हम उस लिंक पे क्लिक करते और अपना गूगल पे का पासवर्ड डालते, शायद पासवर्ड बिना डाले ही शायद हैक हो जाता फोन, क्योंकि आजकल वो लिंक्स पे क्लिक करके ही फोन आपका हैक हो जाता है और आपके फोन में काफी सारे पासवर्ड्स होते हैं, काफी सारे नेट बैंकिंग के एप्स होते हैं, तो शायद हमको पासवर्ड डालना भी नहीं पड़ा होता और फोन हैक हो जाता। तो ऋषि को ये चीज समझ में आ गई, ऋषि ने उसको फिर से कॉल किया कि उसको थोड़ा सा झाड़ते हैं कि आपने, आपको क्या लग रहा है आपने ऐसा हमारे साथ किया, हमको समझ में नहीं आता है वगैरह, ऐसे सब उसको गालियां देनी थी, बट वो नंबर स्विच ऑफ आ रहा था और उसके बाद आज तक वो नंबर कभी लगा ही नहीं है। मतलब कैन यू सी कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे जो फ्रॉडस्टर्स है वो गूगल पे जाके वो पर्टिकुलर एजेंसी को, एजेंसी की वेबसाइट हैक कर रहे हैं और उधर अपना फ़ोन नंबर डाल रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ वो कर रहे हैं, क्योंकि हम जब फ़ोन मिला रहे हैं तो वो स्कैमस्टर को फ़ोन जा रहा है। सेम ऐसा ही फ्रॉड गूगल पे से नंबर लेके, ऐसा ही फ्रॉड मेरी एक फ्रेंड के साथ हुआ। अब उसको कुरियर भेजना था तो उसने उसको ऐसा कोई बंदा चाहिए था जो घर पे आके उसका कुरियर लेके जाए और कुरियर कर दे। तो उसने गूगल किया कि ब्लू डार्ट कुरियर सर्विसेज नियर बाय मी। अब ब्लू डार्ट एक इतना बड़ा नाम है तो ब्लू डार्ट पे कोई कैसे शक कर सकता है, बट शायद ब्लू डार्ट की वो जो पर्टिकुलर लिंक थी वो हैक होके उधर फ्रॉडस्टर ने अपना नंबर डाल दिया था। अब वहाँ पे जो नंबर फ्लैश हो रहा था वो मेरी फ्रेंड ने डायल किया और उस बंदे ने बोला कि ठीक है आपका मैं कुरियर लेने आ जाता हूँ, आप पेमेंट कैसे करेंगे। तो वो बोली कि मैं, आप जब इधर आ जाओगे तो मैं आपको गूगल पे से पेमेंट कर दूंगी या पेटीएम से पेमेंट कर दूंगी। तो वो बोले कि नहीं एक्चुअली गूगल पे या पेटीएम तो नहीं है हमारे पास, कैश भी हम नहीं लेते, आप ना आपके कार्ड डिटेल्स दे दो मुझे तो हम पैसे कार्ड में से आपके ले लेंगे। तो कार्ड डिटेल्स, अब इसको समझ में नहीं आया कि मुझे अपने कार्ड डिटेल्स नहीं देने चाहिए, तो उसको लगा ठीक है, उसने अपना कार्ड नंबर दिया। अब उस बंदे ने मांगा CVV और एक्सपायरी। कार्ड नंबर देने तक ठीक है, बट CVV और एक्सपायरी ये किसी को नहीं दिया जाता है, ये उसको तब समझ में नहीं आया, क्योंकि ऑफकोर्स वो ब्लू डार्ट के इससे बात कर रही थी तो उसको लगा कि बहुत ज़्यादा वेल नोन है तो ऐसा कुछ पंगा नहीं होगा। एंड उसने डाला, उसने उस बंदे को दे दिया अपना कार्ड नंबर, दे दिया अपना CVV, दे दिया अपना एक्सपायरी दे दिया और फिर उसने बोला मैम आपको OTP आया होगा, इसने OTP भी बता दिया और फिर उसके अकाउंट में से कट हो गए 20,000 रुपये। और फिर इतनी पागल है वो लड़की कि उसको, वो बंदे को बोल रही है कि अरे पैसे कट गए 20,000, तो वो बोला अरे गलती से हो गए, आपको और एक OTP आएगा, पैसे वापस आ जाएंगे। एंड उसने दोबारा OTP बताया, दोबारा 20,000 कट गए। ओ माय गॉड। तो ऐसे
गूगल पर से आप अगर किसी का नंबर ले रहे हो और वो अगर इंसान आपसे ऐसी कुछ डिटेल्स मांग रहा है, जैसे आपको मैं लिंक सेंड करता हूँ उस पर अपना गूगल पे का पासवर्ड डालो या फिर उस लिंक को क्लिक करो या फिर आपको कोई OTP आएगा वो बताओ, प्लीज़ अपने कोई भी बैंकिंग डिटेल्स ऐसे लोगों के साथ शेयर मत करो अगर आप गूगल पर से किसी का नंबर निकाल रहे हो। आप देखो ब्लू डार्ट का नंबर निकाला उसने, उससे क्या पता था कि ब्लू डार्ट में भी ऐसा हो सकता है। अब ब्लू डार्ट वालों ने नहीं किया है ये, बट ऑब्वियस है ब्लू डार्ट का किसी ने वेबसाइट हैक किया है, जब उनको पता भी नहीं चला है वहां पे किसी ने फोन नंबर रिप्लेस कर दिया है, अपना डाल दिया है। तो इसीलिए बी वेरी सतर्क, बी वेरी सावधान, मेरा ये वीडियो बनाने का यही मिशन था, यही एक पर्पस था कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूँ सो दैट आपके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि आजकल ये जो ऑनलाइन फ्रॉड्स है ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। हमारे साथ दो बार होते होते रह गया, मेरी फ्रेंड के साथ तो हो गया, हमारे साथ दो बार होते होते रह गया, हुआ नहीं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने कार्ड डिटेल्स या कोई OTP वगैरह किसी को नहीं दे रहे हो। सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल रहा होगा, अगर यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच, लाइक भी कर दो वीडियो को, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ, उनमें भी थोड़ा ज्ञान बांटो, थोड़ा उनको भी सतर्क करो, सावधान करो, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अनटिल वी मीट अगेन, टेक केयर, बाय बाय।